हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, शो की टीआरपी रेटिंग्स पहुँच रही हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रेटिंग्स पर, और इसकी वजह है प्रिशा की वापसी, वो भी नए डिफरेंट अंदाज में। वेल, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मास्क पार्टी में होने वाला है रुद्राक्ष, अरमान और प्रिशा का एक दूसरे के साथ आमना सामना। जी हाँ, रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा को खोजने आएगा और प्रिशा को ढूंढते ढूंढते वो किसी का हाथ पकड़ेगा और जिस पर वो ये यकीन करता हुआ आएगा नज़र कि यही मेरी प्रिशा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो शातिर होता है वो अपनी साजिशें और चालबाजी करना नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ अरमान करता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है, क्योंकि अरमान को अच्छे से पता था कि रुद्राक्ष यहाँ पर आ सकता है और इसीलिए रुद्राक्ष से प्रिशा को बचाने के लिए अरमान ने चली है एक तगड़ी साजिश। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही रुद्राक्ष प्रिशा के पास जाने वाला होगा, तभी यहाँ पर अरमान बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन पीहू को ले आएगा। और अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले होंगे कि पीहू और प्रिशा ने एकदम हूबहू ड्रेसेस पहनी होंगी और उनका मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल सब कुछ सिमिलर होगा, जिसे देखकर अरमान तो क्या रुद्राक्ष किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल होगा कि वो मास्क के पीछे प्रिशा है या फिर पीहू। और इसी बात का फ़ायदा अरमान उठा करके रुद्राक्ष के नाक के नीचे से प्रिशा को ले जाने वाला है, क्योंकि रुद्राक्ष का नाम सुनकर, रुद्राक्ष को देखकर प्रिशा को बेहोशी आ जाएगी और अरमान उसे गोद में उठाकर उसका मुंह छुपा करके वहाँ से ले जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कि जब रुद्राक्ष फेस मास्क हटाएगा, जब उसे पता चलेगा कि मास्क के पीछे उसकी प्रिशा नहीं बल्कि पीहू है, तब क्या होगा उसका रिएक्शन, यह देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल, ऐसी मिलता अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।